Let's read present continuous tense for one minute. वह आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, वे नाच रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम रहा, रही, रहे से पहचान सकते हैं और इसका मतलब यह है कि काम जब हो रहा है तब हम कहते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब काम जब कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वह आ रहा है, ही इज कमिंग. तो देखिए, ही इज कमिंग जब हम लिख रहे हैं तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है कमिंग उसमें आई एन जी जुड़ गया है. तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब में हम आई एन जी लगा देते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आई एम गोइंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है एम, आई एम गोइंग, और गो में लगा है आई एन जी, तो वर्ब में हम लगाते हैं आई एन जी. तो देखिए, आपके सामने ये है चार्ट, और इस चार्ट से आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं. जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट और बॉय. तो ही यानी लड़के के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शी लड़की के लिए, और इट कोई भी जानवर है या कोई चीज़ है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. और कोई भी सिंगुलर ले लेते हैं जैसे कि बॉय, गर्ल, इस तरह से. तो अब हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. आसानी से हम बना सकते हैं ही इज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है. शी इज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है. इट इज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है. बॉय इज रीडिंग बुक, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है. कंक्लूजन ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, और अगर वो आई यानी होता है मैं के साथ में हमेशा एम लगता है, आई एम रीडिंग बुक. और अगर हेल्पिंग वर्ब वी, यू, दे या प्लूरल है तो जितने भी प्लूरल्स होते हैं उसके साथ में हम आर लगाते हैं, और वी, यू, दे के साथ भी आर लगाते हैं. तो इनके साथ में हम सेंटेंसेस फ्रेम करना शुरू करते हैं. और अब हम करते हैं आई के साथ. I am reading book. मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ. We, you, they और plurals के साथ में हम sentence frame करना सीखते हैं. Plurals यानी बहुत सारे, singular यानी एक, और plural यानी अनेक. Plurals जैसे कि boys, girls, cows, cats, तो बहुत सारे जो होते हैं तो हम उसको कहते हैं plurals. तो चलो फटाफट हम sentences frame करते हैं. We are reading book. We, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं. We are reading book, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं. You यानी होता है तुम. You are reading book, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो. They यानी वे. They are reading book, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं. तो चलो प्लूरल्स के साथ भी देखते हैं. बॉयज आर रीडिंग बुक, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं. गर्ल्स आर रीडिंग बुक, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं. तो इस तरह हमने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है. होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स. Like, share and comment, and don't forget to subscribe this channel.